नमस्कार दोस्तों, के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद एब्डोमिनल बेल्ट के फायदे के बारे में आज हम जानेंगे और इस बेल्ट को कब बांधे और कैसे बांधे, कितना टाइम तक बांधना है और इससे पेट कम होता है या नहीं होता है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिन महिलाओं को सी सेक्शन हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देखे और पूरा देखे, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले तो जिन महिलाओं को सी सेक्शन हुआ है उनके मन में सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि हम इस बेल्ट को पहने या ना पहने। तो जी हाँ, आप इस बेल्ट को पहन सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखें कि सी सेक्शन होते ही आप इस बेल्ट को नहीं पहनेंगे, आपको 10-15 दिन के बाद ही इस बेल्ट को पहनना है, वो भी तब जब आपके टांके बिल्कुल ठीक निकल गए हों तब, क्योंकि ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद ही डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुलाते हैं। तो अगर आपके चेकअप में आपके टांके सही निकले हैं, आपके टांकों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप डिलीवरी से लेके 15 दिन के बाद आप इस बेल्ट को आप पहन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिलीवरी के बाद एकदम से आप इस बेल्ट को क्यों नहीं पहन सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय आपको टांके लगे होते हैं और वो टांके आपके खिंच भी सकते हैं और उनमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, सूजन भी आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले टांके ठीक होने का वेट करें, उसके बाद ही आप इस बेल्ट को पहनें। चेकअप में आपके टांके ठीक निकले हैं तो आप ध्यान दें, तो इसके बाद ही आप इस बेल्ट को पहनें। बहुत ज़्यादा आपको टाइट ये बेल्ट नहीं बांधना है और बहुत ज़्यादा लूज भी आपको नहीं बांधना है। आप इसे इतना आप इसके इसको कसे कि आपकी बॉडी में थोड़ा सा कसाव महसूस हो, इस तरह से आप इस बेल्ट को पहनें। लेकिन इतना ज़्यादा टाइट भी आपको नहीं करना है कि आपके टांकों में खिंचाव हो या फिर आपके टांकों में दुखन हो। तो बहुत ज़्यादा आप इस बेल्ट को टाइट भी ना बांधें और बहुत ज़्यादा लूज भी ना रखें, और सही तरीके से आप इस बेल्ट को बांधें तो ये बेल्ट आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगी, बहुत ही आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो एब्डोमिनल बेल्ट को पहनने से जो फायदा होता है वो ये है कि इसको पहनने से आपकी कमर को एक सपोर्ट मिलता है और इससे आपकी कमर को सहारा मिलता है, जिससे आप देखेंगे कि इसको पहनने के बाद आपको पेन नहीं होगा और आप अच्छे से उठ सकेंगे, बैठ सकेंगे, आप अच्छे से घूम सकेंगे। ये आपकी कमर को सहारा देगा और आपका जो लटका हुआ पेट होता है डिलीवरी के बाद, आपका पेट लटक जाता है, उसे एक उसको भी शेप में लाएगा और आपके टांकों में कोई पेन नहीं होगा। इस बेल्ट को पहनने के बाद आप अपने बेबी को अच्छे से गोद में उठा सकेंगे और आप उसको अच्छे से गोद में लेकर आप उसे फीड करा सकेंगे। आप ये फर्क देखेंगे कि आपको बहुत ही आराम मिलेगा इस बेल्ट को पहनने के बाद। और सी सेक्शन के बाद पेट कम कैसे करें या फिर पहले जैसे शेप में आप कैसे आए, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या इस बेल्ट को पहनने से वजन कम होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस बेल्ट को पहनने से आपका जो लटका हुआ पेट है वो लटकेगा नहीं। इस बेल्ट को पहनने से आपकी कमर को सपोर्ट मिलेगा, कमर को सहारा मिलेगा और आपका जो लटका हुआ पेट है उसको एक शेप मिल जाएगी वो। और जब आप इसे रेगुलर पहनेंगे वो तो वो धीरे धीरे आपके पहले जैसी शेप में आने लग जाएगा आपका पेट, और धीरे धीरे आप अपनी पुरानी वाली शेप ले लेंगे। तो सी सेक्शन के बाद आप कम से कम ये बेल्ट आप जरूर पहने, और सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, किसी को समय ज़्यादा लगता है पहले जैसी शेप में आने में, किसी को कम समय लगता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप धैर्य रखें और धीरे धीरे ये मतलब पुराने जैसी शेप में आप आ जाएंगे। एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप इस बेल्ट को पहने तो आप खाना खाते वक्त या सोते वक्त आप इस बेल्ट को निकाल दें, पूरा टाइम आपको ये बेल्ट नहीं पहनना है, बाकी टाइम आप इसे पहन कर रखें। तो सी सेक्शन के बाद ये बेल्ट आपको बहुत ही आराम दिलाएगा।
तो व्यूवर्स, ये थी कुछ जानकारी एब्डोमिनल बेल्ट को लेकर। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर सवालों के जवाब दे सकूं। और आपके और आप अपने जानने वालों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आया है, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, तो आप इसे लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।